अकाउंटिंग रेशियोज खत्म करा था लास्ट क्लास में हमने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट रेशियो था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल पांच रेशियो थे, सुन लो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं, सबसे पहले आपका हाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब स्टार्टिंग से सारे रेशियो सुन लो कितने पड़े हमने, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमने करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये दो रेशियो है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होता है उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चार हो गए, चार और दो छह। फिर आपने पढ़ा था टर्नओवर रेशियो जिसको एक्टिविटी रेशियो कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, चार ही हो गए, चार चार आठ और दो दस रेशियो हो गए। और फिर लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें पांच, तो टोटल पंद्रह रेशियो हो गए आपके, पांच जो नाम अभी बताए थे मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओआई के मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा पाया था पिछली क्लास में, अभी आज रेशियो के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसका होगा टेस्ट, टेस्ट इसका हो नहीं पाया हमारा संडे को, संडे को डेट थी इसके टेस्ट की, अगला सैटरडे को फिर दूसरा टेस्ट है, तो उससे पहले इसका टेस्ट होना जरूरी है, समझ गए। तो आज जिसके जो डाउट है पूछ लो बस, और दो तीन क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में शुरू करेंगे, जो भी शुरू करवाना हो आपको वो करवा लेना, ठीक है। निकालो कॉपियां, करें स्टार्ट क्वेश्चन करना, मैं खुद करा देता हूँ दो चार क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के। लिखो आप लोग एग्जाम्पल, लिखो कॉपी में एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो, एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो आरओआई निकालना है और टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड आउट करना है, आरओआई एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। डिटेल देखो क्वेश्चन की, डिटेल में आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट आपको गिवन है इसमें रुपीज 75 लाख के, फिक्स्ड एसेट्स आपको इसमें गिवन है रुपीज 75 लाख के। उसके बाद करंट एसेट्स आपको इसमें गिवन है रुपीज 40 लाख, करंट लाइबिलिटीज आपको इसमें गिवन है 27 लाख, करंट लाइबिलिटीज 27 लाख, 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स आपके पास है 80 लाख, 12% डिबेंचर्स हैं 80 लाख रुपीज के, 12% डिबेंचर्स हैं 80 लाख रुपीज के, एंड इसके साथ साथ आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड, रुपीज 14 लाख 50 हजार। ये क्वेश्चन की डिटेल है, इसको कॉपी कर लो जल्दी, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई दिल्ली 2015 का है, ये क्वेश्चन कब का है आपका सीबीएसई दिल्ली 2015,
ये पेपर में क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2015 में, बड़ा ही सिंपल। क्यों सिंपल है? क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है, यही तो हमें चाहिए होता है। तो यही हमें चाहिए होता है, तो इससे ज्यादा और क्या देगा आसान बना के? अगर ये आफ्टर होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती हमारे लिए। तो जरा आते हैं इधर, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, इसका इक्वेशन होता था नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100 इज इक्वल टू, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,50,000। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये 14,50,000 आप डायरेक्ट यहां पुट कर दोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम वर्किंग नोट से निकाल देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हम वर्किंग नोट से निकाल देंगे, ठीक है। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करोगे, वर्किंग नोट से कैलकुलेशन कर दोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो जल्दी, यहां नीचे स्टार बना लो एक, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करो। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके बताए थे मैंने, एक लाइबिलिटी अप्रोच बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच। तो इसमें लाइबिलिटी वाला तो लगेगा नहीं, एसेट वाला लग जाएगा। तो एसेट वाले में मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये इक्वेशन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए थी। नॉन करंट एसेट में इसमें फिक्स्ड एसेट्स हैं 75,00,000 रुपए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए 75,00,000 रुपए नॉन करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट है 40,00,000, करंट एसेट है 40,00,000 माइनस करंट लायबिलिटी है 27,00,000, ये होता है वर्किंग कैपिटल। तो दिस सिंप्लीफाई, 40 माइनस 27 बच गया 13, और 75 में से 13 माइनस कर दो तो बच गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रही है शालिन, हाँ 13 प्लस होगा, सॉरी 75 में 13 प्लस कर दो तो 88,000 आ जाएगा ये, सॉरी 88,00,000, 88,00,000 आ जाएगा ये, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया ये हमारा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया हमने, समझ आ गई यहां तक बात? ये क्या निकल गया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस अब इक्वेशन में रख दो, आंसर आ गया, ये नीचे वाली वैल्यू पता लग गई हमें 88,00,000, नीचे वाली वैल्यू 88,00,000 इनटू में 100, तो दिस सिंपलीफाई आपका फाइनल आंसर, इसको सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको कैलकुलेटर पे, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, लेकिन ये आ रहा है 16.48%, ये ए पार्ट सॉल्व हुआ, खाली दो चीजें निकालनी है। आप देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी निकालना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी निकालना है, तो वो भी निकालते हैं अभी। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया, पार्ट ए आरओआई निकल गया, ये पार्ट ए सॉल्व हो गया, आरओआई निकल गया। इसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो लिख लिया ये सबने, लिख लो, इसको नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, क्योंकि टाइम कम है जल्दी जल्दी करते हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता था टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेट, टोटल एसेट मतलब टोटल एसेट टू डेट रेशियो का मतलब क्या है, टोटल एसेट कितने हैं हमारे पास एज कंपेयर टू डेट, एज कंपेयर टू डेट, डेट का कितना प्रोपोर्शन टोटल एसेट्स है, ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है। तो टोटल एसेट्स ये सिंप्लीफाई, इसके लिए भी छोटा सा वर्किंग नोट बना लो, इसके लिए भी छोटा सा वर्किंग नोट बना लो, आप टोटल एसेट फाइंड आउट कर लो। टोटल एसेट आपको फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट दोनों को ऐड कर लो, फिक्स्ड एसेट से 75,00,000, फिक्स्ड एसेट से 75,00,000 और करंट एसेट से 40,00,000, तो 75,00,000 और 40,00,000 दोनों को मिला के ये हो गया 1,15,00,000, 1,15,00,000, ये कितने जीरो लगेंगे, बड़ा कंफ्यूज इन्हें सारे, कितने सारे अमाउंट दे दिया इन्होंने, 1,15,00,000। और डेट का मतलब होता है डिवेंचर, तो जो डेट है आपका क्वेश्चन में वो डेट आपका डिवेंचर है,
डेट जो है वो डिबेंचर है, तो डिबेंचर हो गया डेट, डिबेंचर हो गया डेट, और डिबेंचर की वैल्यू है 80 लाख, डिबेंचर की वैल्यू है 80 लाख। इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लो, इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लो, टोटल एसेट आ गया आपका 1,15,00,000 डिवाइडेड बाई 80 लाख। फ्रैक्शन में आंसर आता है इसका, तो ये आंसर आ रहा है 1.44:1। कर लेना पूरा डिवाइड, आप करते रहना 1.44:1। ये हो गया आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। चार नंबर में आता है क्वेश्चन रेशियो का, ये आया था 2015 में 4 मार्क्स में, 2015 में आया था ये, कितने मार्क्स में आया होगा, 4 मार्क्स में, ठीक है। चलें आगे, शेयर कैपिटल एनपीओ। अब इसमें से कोई एक ही हो पाएगा ना एक बार में, दोनों नहीं हो पाएंगे एक साथ, एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा। मैसेज कर रहे हैं कुछ बच्चे, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसमें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया आसान। अगर ये बिफोर की जगह आफ्टर हो, वैसे मैंने पिछली क्लास में कराया था, जो बच्चे थे पिछली क्लास में, मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो क्वेश्चन करा के ही भेजा था, छोड़ा नहीं था उसको मैंने। मैंने कहा था एक क्वेश्चन ये वाला हम जरूर करेंगे। अगला एग्जाम्पल लिखें इसमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर, या लिख लो पहले ऊपर कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको इंफॉर्मेशन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स, ये आपको ₹1,00,000 गिवन है, ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है करंट एसेट्स की वैल्यू है ₹4,00,000। क्वेश्चन में करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है ₹4,00,000, करंट एसेट 4,00,000 हो गए। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है ₹2,00,000, करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है ₹2,00,000। फिर आपके पास है टैक्स रेट का जो रेट है आपका ये है 20%, टैक्स का रेट है 20%। फिक्स्ड एसेट हमें दिए हुए हैं, फिक्स्ड एसेट आपके पास है ₹6,00,000, फिक्स्ड एसेट हो गए ₹6,00,000 फिक्स्ड एसेट्स हो गए। उसके बाद आपको दिया हुआ है 10% लॉन्ग टर्म डेट, आपको लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 10%, ₹4,00,000 लॉन्ग टर्म डेट है 10%, ये 4,00,000 हो गया। इसके बाद आपको बस इतना ही दिया हुआ है, पहले ये लिख लो पहले सारी चीजें, आपको ROI निकालना है। ये देखो ROI के लिए हम क्या करेंगे, ROI के लिए हम करेंगे इक्वेशन पुट पहले ROI की, तो ROI इज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ये मान लो यहां पे इसका आ जाएगा आंसर, आ जाओ वर्किंग नोट से, मेन वही है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको वर्किंग नोट से लेके आनी है। बनाए वर्किंग नोट, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, कैपिटल
एम्प्लॉयड, कौन सी वाली अप्रोच लगाएं बताओ, कौन सी वाली लगेगी? सर एसेट साइड वाली ही लग पाएगी, क्योंकि लायबिलिटी साइड वाली अप्रोच में तो शेयर कैपिटल होता है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है इसमें, वो हमारे पास नहीं है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस वो हमारे पास नहीं है, तो लायबिलिटी वाली अप्रोच ही लगेगी, वही नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और नॉन करेंट एसेट में होते हैं फिक्स्ड एसेट जो कि है 6 लाख, फिक्स्ड एसेट जो कि 6 लाख है। वर्किंग कैपिटल में होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट है 4 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख, तो इसका मतलब 6 और 2 8 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू तो 8 लाख आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख आ गई। अब दोबारा ध्यान से समझना, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, ये आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट भी माइनस, टैक्स भी माइनस और डिविडेंड भी माइनस ही होगा, डिविडेंड नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट भी माइनस करने के बाद, टैक्स भी माइनस करने के बाद 1 लाख प्रॉफिट है। हमें प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ हो और ना टैक्स माइनस हुआ हो, तो मतलब इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ हो, टैक्स भी उसमें जुड़ा हुआ हो। अब देखो कहानी यहाँ पे समझो ध्यान से, मान लो आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट है, आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट है, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है 20, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है। मान लो आपने 20 रुपए इंटरेस्ट की पेमेंट करी तो ये बच गया आपका 80, ये बच गया आपका 80। इसके बाद मान लो आपने टैक्स की पेमेंट करी, टैक्स आपका मान लो 40% है, टैक्स मान लो आपका कितना है 40%, तो 80 का 40% कितना होगा 32 रुपए। आपने 32 रुपए का टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, 10 माइनस 2 8 और 7 माइनस 3 4, 48 रुपए ये बचा आपका। ये वाला जो प्रॉफिट है ये है आपका आफ्टर, आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, जो ये वाला प्रॉफिट है ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, मतलब ये 1 लाख जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, आप इसको 1 लाख को मान लो, यहाँ 48 रुपए। आपको इस 48 से इस 100 तक पहुंचना है, तो इस 100 तक पहुंचने का तरीका क्या है मेरे पास, पहले मैं टैक्स को प्लस करूं 48 में तो मैं 80 तक आ जाऊंगा। पहले मैं क्या करूं, 48 रुपए में टैक्स को प्लस करूं तो मैं कहां तक आ जाऊंगा, 80 तक। देखो मैं 80 तक पहुंचने का डायरेक्ट तरीका बताता हूं आपको, ये 48 रुपए जो है ये 40% माइनस करने के बाद का अमाउंट है, ये 48 रुपए जो है ये 40% माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है, तो ये बचा हुआ अमाउंट कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर। अगर ये वाला अमाउंट 100% है, मान लो अगर ये वाला अमाउंट 100% है और 100% में से 40% हटा दिया तो बचा हुआ अमाउंट कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर। मतलब ये 48 कितने परसेंट के बराबर है, 60% के। जब हम किसी अमाउंट को उसके परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं तो वो अमाउंट कैपिटलाइज हो जाता है, मतलब आप सीधा 48 से 80 पे आ जाओगे। अगर आप इसको 60% से डिवाइड कर दो तो ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसको 60% से डिवाइड कर दो तो ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप 80 तक पहुंच गए, और फिर 80 के बाद आप 20 इसमें प्लस कर लो तो आप 100 तक पहुंच जाओगे। तो देखो पहले 80 तक पहुंचते हैं, पहले 80 तक पहुंचते हैं फिर बाकी आगे करेंगे। तो हमने क्या करा, पहले यहां पे हमने एक काम करा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहां पे करा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, बट आफ्टर इंटरेस्ट, क्वेश्चन के शब्दों को ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 लाख रुपए जो है, और टैक्स का रेट है क्वेश्चन में 20%, इसका मतलब जो 1 लाख है ये 80% के बराबर है, 20% इसमें से डिडक्टेड है, तो हमने इसको 80% से कर दिया डिवाइड, तो हम निकल गए यहां तक आ गए हम, आपका इसको 80% से डिवाइड कर दोगे तो 125,000 आ गया आपका, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया बट आफ्टर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी इसमें माइनस है, टैक्स तो जुड़ गया लेकिन इंटरेस्ट अभी माइनस है, तो इंटरेस्ट को भी जोड़ो अब अगली लाइन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब अब इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ेगा एंड इंटरेस्ट, तो आप 125,000 में इंटरेस्ट को ऐड कर लो। देखो इंटरेस्ट कहाँ है सर, कहाँ है, तो ये 10% लॉन्ग टर्म डेट है, तो 4 लाख का 10% हो जाएगा इंटरेस्ट,
तो 4 लाख का हो जाएगा 10%, 40,000। 1,25,000 प्लस 40,000, ये 1,65,000 आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही आएगा पेपर में इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। 1,65,000 आ गया, 1,65,000 ये आ गया। अब ऊपर पुट कर लो, ये लो यहाँ पे 1,65,000, ये अपनी जगह पे रख दो ऊपर वाली वैल्यू, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे कैपिटल इंप्लॉयड रख दो 8 लाख रुपए, नीचे रख दो कैपिटल इंप्लॉयड 8 लाख इंटू में 100। तो दिस सिंप्लीफाई, फाइनल आंसर निकाल लो, 1,65,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू में 100, ये आपका आंसर आ गया इसका फाइनली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20.625%, 20.625%। आप चाहो तो इसको लेट वेट करके भी कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है लेट करने वाला तरीका, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया है समझा के। आप लेट करके भी कर सकते हो, एक्स वगैरह मान लो, फिर उसके हिसाब से भी हो जाता है। 15 मिनट और बचे हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर रजिस्टर नीचे कर देगा थोड़ा सा, रजिस्टर नीचे मतलब ऐसे ही है, पूरा सॉल्यूशन दिखा दूं ऐसे ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, मैं सोच रहा था बड़ा वाला क्वेश्चन करा देता, टाइम लग जाएगा काफी। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, बड़ा क्वेश्चन एक करते हैं, बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो मैंने पहले अकाउंटिंग रेशियो का टेस्ट लिया था शायद उसमें भी दिया था ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स भी दिया हो सकता है, तो आपको इंटरेस्ट दोबारा नहीं जोड़ना, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है बाद में टैक्स माइनस होता है, ठीक है, उल्टा हो सकता है इसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है बाद में टैक्स माइनस होता है, इसलिए एक क्वेश्चन है ऐसा, एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आपको लिखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं जोड़ना उसमें, हमें सिर्फ टैक्स को जोड़ना है खाली, वो आप देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन मिले तो मुझे दिखा देना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा। सर क्या नहीं जोड़ना सर, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो पहले प्रॉफिट होता है फिर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होता है, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है अगर किसी क्वेश्चन में, मान लो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, तो आपको सिर्फ टैक्स जोड़ना है, इंटरेस्ट मत जोड़ना फिर, क्योंकि इंटरेस्ट पहले से जुड़ा हुआ है। मान लो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, आपको ये वाला अमाउंट दिया हुआ है, मान लो ये 80, ये गिवन है क्वेश्चन में, 100 की जगह 80 गिवन है मान लो, या मतलब इस क्वेश्चन में 1 लाख था, 1 लाख की जगह आपको मान लो गिवन है आपको 1,40,000, 1,40,000 गिवन है मान लो आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट का अमाउंट ये आपका पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर आपका ये 80 आता है, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, और जब टैक्स भी माइनस हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो आपको टैक्स जोड़ना है खाली, इंटरेस्ट मत जोड़ना फिर, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है, ध्यान से समझनी है लैंग्वेज क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो,
करंट रेशियो निकालना है, आपको जो डिटेल दे रखी है क्वेश्चन की वो लिख लो। आईटीआर गिवन है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर, आईटीआर आपको दिया हुआ है 6 times, आईटीआर आपको दिया हुआ है 6 times। आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री एट द एंड होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रुपीज, इज रुपीज 6000, इज रुपीज 6000 मोर देन, 6000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये लो उसने टाइम दिखा दिया है, मैं थोड़ा फास्ट मोड में करूंगा, ठीक है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से 6000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके बाद आपको दे रखा है इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑल क्रेडिट्स, ये मतलब आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑल क्रेडिट, सब का सब क्रेडिट पे है। 6 times के बाद ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 6000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 6000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ये है ये। फिर आपको आरएफओ दे रखा है, ऑल क्रेडिट रुपीज 240000, आरएफओ ऑल क्रेडिट रुपीज 240000। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। आपको करंट लाइबिलिटी गिवन है, करंट लाइबिलिटी है 80000 रुपए, करंट लाइबिलिटी है 80000 रुपए। और फिर आपको गिवन है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो है 0.80:1। ये क्वेश्चन है पूरा, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ज्यादा जूम हो रखा है शायद, थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है पूरा आपका, फटाफट देखो वरना क्लास बंद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, आधा दूरा छूट जाएगा। हमें करंट रेशियो निकालना है, तो हमारा मेन मकसद है, मेन मकसद है हमारा करंट रेशियो फाइंड आउट करने का, जिसकी इक्वेशन होती है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। दिस सिंप्लीफाई, करंट लाइबिलिटी हमें मालूम है 80000, बस हमें करंट एसेट फाइंड आउट करना है, इसी की कहानी है पूरी, करंट एसेट निकालने की, करंट एसेट हमें फाइंड आउट करना है। जल्दी देखो आप, आपके दिमाग में कई सारी बातें आएंगी, वर्किंग नोट बनाते चले जाना, बस वर्किंग नोट बनाते चले जाना। जैसे मुझे यहाँ पे एक बात पता है कि सबसे पहले मुझे कौन सा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है, तो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ आरएफओ को, कॉस्ट ऑफ आरएफओ को, क्योंकि मुझे 25% बोला है यहाँ पे, तो मैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ को अगर एक्स मान लूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक्स का 25% हो जाएगा, मतलब 0.25x या x अपॉन 4, 0.25x या x अपॉन 4। अब मुझे ये भी पता है कि जो आरएफओ होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, वो कॉस्ट प्लस जीपी होता है, आरएफओ जो होता है वो कॉस्ट प्लस जीपी होता है, और आरएफओ मुझे गिवन है क्वेश्चन में पूरा का पूरा 240000 ऑल क्रेडिट है, कोई नहीं, 240 इज इक्वल टू कॉस्ट एक्स, और जीपी कितना है 0.25x, तो ये 1.25x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं यहाँ पे, अब सिंपलीफाई, 1.25x इज इक्वल टू 240000, तो सिंपलीफाई एक्स इज इक्वल टू 240000 डिवाइडेड बाई 1.25, डेसिमल हटा के 2 0 लगा लेना ऊपर, 240000 डिवाइडेड बाई 1.25, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान रखना, 1,92,000 आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। अब देखो आईटीआर का फॉर्मूला लगाओ, आईटीआर इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाई, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो ये 6 गिवन है, ये अभी हमने निकाला, एक्स माना था कॉस्ट ऑफ आर ए को 1,92,000, अभी फाइंड आउट कराइए ऊपर, और डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री को ऐसे ही छोड़ दो, एवरेज इन्वेंट्री को ऐसे ही छोड़ दो, तो यहाँ से आपकी डिसिंप्लीफाई एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, एवरेज इन्वेंट्री ये आ गया आपका डिवाइड करके, 1,92,000 डिवाइडेड बाई
6, 192,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, ये डिवाइडेड बाय 6 32,000, ये एवरेज इन्वेंट्री निकला बच्चों, ये क्या निकला, एवरेज इन्वेंट्री निकला, एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। अब आप लेट करो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की कहानी करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की कहानी देखो, लेट कर लें आप। अब आपको बोला था क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है, तो आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री को आप एक्स मान लो, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप क्या मान लो, एक्स। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, इससे 6,000 ज्यादा, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, इससे 6,000 ज्यादा। लो अब स्पीड कम कर देता हूं मैं, क्योंकि अभी 5 मिनट है, हो जाएगा आराम से। तो ये 6,000 ज्यादा है ओपनिंग से। फिर आप इस एवरेज की दोबारा इक्वेशन पुट करो, फिर आप इस एवरेज की दोबारा इक्वेशन लो, पेज बदल दो मैं यहाँ से, पेज पलट रहा हूं। आपने यहां तक कैलकुलेशन कर ली, फिर आपने ये लेट कर लिया। आप एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, और एवरेज 32,000 हमें पता है, तो देखो आगे क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अरे यार फोन क्यों आ रहा है, एक मिनट वेट करना, ये कॉल बीच में आ गई। ये लो आप क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री की इक्वेशन पुट करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग, ओपनिंग है x प्लस क्लोजिंग, x प्लस 6,000, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2। ये दिस सिंप्लीफाई, लेफ्ट साइड में 32,000 हमें मालूम है, इज इक्वल टू 2x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2, 32 और 2 हो जाएगा 64, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये 64,000 हो जाएगा, 64,000 6,000 इधर आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 2x, दे सिंप्लीफाई, एक्स इज इक्वल टू 64 माइनस 6 हो गया 58,000, 58,000 डिवाइडेड बाई 2, तो दे सिंप्लीफाई 58,000 डिवाइडेड बाई 2 29,000 हो गया, ये 29,000 ये एक्स की वैल्यू आई, और एक्स हमने किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को, एक्स हमने किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो ये लो ओपनिंग इन्वेंट्री निकल गया। इसके बाद हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करेंगे, इसमें 6,000 ऐड कर देंगे, 29,000 में कितना ऐड कर देंगे, 6,000 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 35,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी भी नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे करंट एसेट चाहिए, मुझे करंट एसेट तक पहुंचना है। तो अब मेरे पास क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, ये गिवन है 0.80 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी है 80,000, तो दिस सिंप्लीफाई, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं, एक मिनट, दिस सिंप्लीफाई, क्विक एसेट इज इक्वल टू 80,000 इंटू 0.8, 64,000 हो गया क्विक एसेट, क्विक एसेट हो गया 64,000। अब देखो यहाँ पे क्विक एसेट का इक्वेशन हुआ करता था एक, करंट एसेट माइनस स्टॉक, ये स्टॉक कौन सा होता है, क्लोजिंग का होता है, ध्यान रखना आप, क्योंकि अब आपके पास दो स्टॉक हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग वाला होता है, याद रखना, ठीक है, फॉर्मूले में जो यहाँ पे होता है वो क्लोजिंग वाला होता है। माइनस होता है प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस होता है एडवांस टैक्स, वो नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब हम क्या करें, क्विक एसेट की जगह रख दें 64,000 इज इक्वल टू, करंट एसेट को ऐसे ही छोड़ दें, और स्टॉक कौन सा लेना है, क्लोजिंग वाला, 35,000 यहाँ पे आके समझना है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दिस सिंप्लीफाई, करंट एसेट इज इक्वल टू 64,000 प्लस 35,000, तो दिस सिंप्लीफाई, 64 प्लस 35, करंट एसेट की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 99,000, करंट एसेट की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 99,000, ये 99,000 आ गई। अब बस यही तो निकालना था हमें, करंट एसेट यहाँ रख दो, ये इतनी लंबी कहानी करनी पड़ी इसके लिए हमें, ये CBSE दिल्ली कंपार्टमेंट 2016 का क्वेश्चन है, आप ढूंढ लेना इसको, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये 99,000 यहाँ रख दो, इज इक्वल टू 99,000 डिवाइडेड बाई 80,000 कर दो, 1.2375 रेशियो 1, आंसर आ गया इसका 1.23 रेशियो 1। मतलब क्वेश्चन तो कुछ और था, ये 2000 जो मैं बता रहा हूँ 2016 में, उसमें कहा था कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, कैलकुलेट क्विक एसेट, कैलकुलेट करंट एसेट,
लेकिन मैंने आपको वो सब कैलकुलेट ना करवा के डायरेक्ट कह दिया कैलकुलेट करंट रेशियो। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो करना तो वैसे ही है, सारी चीजें कैलकुलेट तब भी करनी है, ठीक है, चाहे वो पूछे तो भी करनी है, और अगर करंट रेशियो पूछा है तो भी करनी है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आया कैलकुलेट